दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल केडी दावत व्लॉग्स। सो दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है और सबके घर में साफ सफाई चल रहा होगा और स्नैक्स भी बन रहे होंगे, तो सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों को एक इजी स्नैक्स बताऊंगी जो आप अपनी दिवाली में गेस्ट को सर्व कर सकते हो। बहुत ही ईजी रेसिपी है, स्वीट डिश है। सो मैंने भी शॉपिंग किया, ऑनलाइन में ऑर्डर किया है। मैं सोची कि ये वाला जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जल्दी ही होगा, जैसे मैं और मेरे प्रोडक्ट्स मतलब रिसीव होंगे मैं इस बैकग्राउंड को चेंज करूँगी और उसका अपडेट भी आप लोगों को दूँगी। तो चलिए, आज बनाने वाली हूँ मैं नान खटाई। इजी रेसिपी है, विदाउट ओवन कढ़ाई में भी आप बना सकते हो और बना के स्टोर भी कर सकते हो आराम से। ये एक 20-25 दिन तो चल जाएगा। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे ग्राइंडर ले लीजिए। इसमें 1 कप मैंने शक्कर डाला है, आप डायरेक्ट पीसी हुई चीनी भी ले सकते हो। और इसमें डालना है 3-4 इलायची, थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मिठास है तो थोड़ा नमकीन होना चाहिए जो कि बैलेंस बनाए रखेगा। और इसमें आप सोडा भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड करके बारीक से एकदम महीन पाउडर पीस लिया है। सो बाज़ार में जो रेडीमेड शुगर पाउडर मिलता है वो भी आप ले सकते हो। तो इस पाउडर को हम छन्नी के हेल्प से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स हो वो इजीली निकल जाए। इसमें 1/4 चम्मच मीठा सोडा, खाने वाला सोडा ऐड करना है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा हो तो वो भी आप आधा टीस्पून डाल सकते हो, अगर नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन खाने का सोडा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी 1 कप। तो देखिए घी ज़्यादा पतला नहीं है, ठीक सा बैटर हो गया है। अगर पतला घी हो तो उसे आप फ्रिज में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब जम जाए तो उसे निकाल के आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें इसको मतलब व्हिस्क करना है तो इसके लिए ऐसा गाढ़ा घी चाहिए। तो घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों को शुगर और ये जो घी है उसको अच्छे से मिक्स करना है व्हिस्कर के हेल्प से। तो यहाँ पे मैं छोटा बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बिकॉज़ इसमें अच्छे से फेंट सकते हैं, विस्क कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको अच्छे से फेंटना है बहुत देर तक, जब तक ये एकदम फ्लफ़ी ना बने। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रीम की तरह बन गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में। सो हमारा ये जो बैटर है वो रेडी हो चुका है, देखिए इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसमें ऐड करें 2 कप मैदा। इसमें मैदा की जगह आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो हेल्थी के लिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप जितना सूजी ऐड करना है, बारीक सूजी, और 1 कप जितना बेसन। तो 2 कप मैदा के लिए 1/2 कप सूजी, 1 कप बेसन और 1.5 कप घी ऐड करना है और 1/4 चम्मच सोडा। और इसमें अगर बेकिंग पाउडर ऐड करना चाहते हो तो आधा चम्मच ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से बैटर बन जाए। तो इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। देखिए मैं बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि हम लोगों ने शुगर और ये जो आटा है वो सब एक जगह पर मिला लिया है। तो मिक्स करने के बाद अगर इस तरह से डो बन रहा है तो ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको छोटे छोटे गुलाब जामुन के जितना बॉल्स बना लेंगे। अगर आपके पास कोई मेज़रमेंट कप हो तो आप उसका यूज़ करके इक्वली सब बॉल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो मेज़रमेंट कप यूज़ करने से क्या होता है, सभी नानखटाई इक्वल बनते हैं। तो बॉल को ज़्यादा प्रेशर लगाकर आपको बॉल्स नहीं बनाने हैं, अदरवाइज़ ये फूलेंगे नहीं। और चपटे भी नहीं करना है, बॉल्स मतलब बॉल्स ही बनाना है। और उसके ऊपर यहाँ पे मैं बादाम मतलब गार्निशिंग के लिए लगा रही हूँ, चाहे तो आप पिस्ता, काजू, बादाम कुछ भी लगा सकते हो, या फिर सभी को ग्राइंड करके इसमें ऐड करके नानखटाई बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट ले रही हूँ, उसमें मैंने घी लगा दिया है। इसमें स्टील वाली प्लेट आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, अदरवाइज़ ये जल सकता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, इसे ऑलरेडी 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे प्री हीट किया है। और उसके ऊपर मैंने ढक के 15 मिनट पकानी है। 15 मिनट तक आपको इसको टच नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पे इसको 15 मिनट तक पका लेनी है। तो एक एक सो 15 मिनट के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर इसके ऊपर जो कलर है वो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर आ गए, इसका मतलब ये पक चुका है। किसी किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि अकॉर्डिंग और डिपेंड ऑन गैस, तो गैस का फ्लेम कम हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा हो तो मतलब 15 मिनट तो ज़रूर लगेंगे। तो गर्म पे इसको अगर टच करेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगेंगे, बट इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर तो ये नानखटाई की तरह थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो देखिए ये नानखटाई एकदम ठंडा हो चुका है। जस्ट आपको इसको ट्विस्ट करना है, तो हल्के हाथों से निकालने का ट्राई करना है, ये इजीली निकल आ जाएंगे। देखिए सो हमारे जो नानखटाई है वो बहुत ही अच्छे से बन चुका है और रेडी हो गया है खाने के लिए। बाज़ार जैसे नानखटाई आप घर पे इजीली बना सकते हो अपने बच्चों के लिए, स्कूल में भी आप स्नैक्स के टिफ़िन में दे सकते हो, और दिवाली तो आ रहा है तो दिवाली में आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए हमारा नानखटाई, इसमें हमने बारीक रवा ऐड किया है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है एकदम बाजार जैसे दिख रहा है ना। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।